हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, जितने भी बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुक हैं, उन सभी के लिए सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, यानी किसी भी शिक्षक भर्ती के मेंस एग्ज़ाम में, यानी आप सुपर टेट में अगर आप बैठना चाहते हो, तो सीटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, तो आप अपने प्रदेश के साथ साथ आप अन्य प्रदेशों के शिक्षक भर्ती का भी सुपर टेट आप दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी इसी वर्ष आपने एडमिशन लिया है बीएड और डीएलएड में, तो आपका ये डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप अभी से एलिजिबल हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभी से एलिजिबल हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, सीटेट फॉर्म डालने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप आने वाले समय में जो फॉर्म आने वाला है इसी महीने लास्ट तक, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो और सीटेट की परीक्षा दे सकते हो। और सीटेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए तो बहुत बढ़िया है, वरना आप डीएलएड या बीएड कंप्लीट करते करते तो क्वालिफाई हो ही जाओगे, क्योंकि एक साल में दो बार सीटेट ऑर्गेनाइज होता है, परीक्षा होती है। तो आज दोस्तों हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट दिसंबर एग्जाम के लिए, जो कि फॉर्म अभी आने वाला है और परीक्षा जो है दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी। तो ये क्लास दोस्तों सपोर्ट करिएगा। इस क्लास में हम जो पिछली बार अभी 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ है सीटेट का, उसी का ओरिजिनल पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि आज इसे शुरुआत हुआ है और लगातार आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डेली सुबह 11 बजे हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे, और फॉर्म आने तक हम बाकी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा जो पहला पार्ट है वो CDP है। अब CDP क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देखेंगे ये सीटेट का ओरिजिनल पेपर मैंने लिया है, तो आपको सिलेबस एक ओवरऑल बता दे रहा हूं। जो सिलेबस होता है वो 5 पार्ट में होता है, यानी कि आपका जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 150 प्रश्नों का ये परीक्षा होता है, जिसमें 5 भाग होते हैं। पहला भाग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र होता है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है। दूसरा भाग गणित होता है, ये भी सभी के लिए कंपलसरी होता है। और तीसरा भी पर्यावरण अध्ययन, ये भी सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसके बाद चौथा और पाँचवा जो भाग है, इसमें आपको लैंग्वेज चूज करना होता है। कुछ लोग हिंदी अंग्रेजी चूज करते हैं, कुछ हिंदी संस्कृत चूज करते हैं, कुछ हिंदी मराठी, जो भी होता है वो चूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पहला भाग जो सभी के लिए कंपलसरी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसका पार्ट आपको सॉल्व करवाने लगा हूं। सभी के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और टोटल आपके 150 प्रश्न होते हैं। तो आज हम इसमें जो 20 अगस्त 2023 को ये पेपर हुआ था, इसका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मन से क्वेश्चन का आंसर भी करते रहिएगा, और नीचे आप कमेंट में लास्ट में जरूर बताना कि सर 30 में मेरे इतने ही सही गए, ठीक है, ताकि आपका लेवल पता चले, आपको खुद अपनी लेवल पता चले कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस परीक्षा के लिए, मेरे लिए यह आसान है या टफ है। ये तभी पता चलेगा जब आप इन 30 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दोगे और लास्ट में हमें अपना स्कोर बताओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लगाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं पार्ट 1 जो है ये पेपर है, आपको इसका PDF फाइल भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देंगे, बस आप पूरा सॉल्यूशन देखिए। जिन छात्रों को इंग्लिश में पढ़ना है वो यहां पर इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी को कैरी ऑन करते चलूंगा, मैं हिंदी में पढ़ता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए भैया, पहली बात तो CDP का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ये पार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शिक्षकों के लिए। इसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाल्यावस्था में किस तरीके से उनको शिक्षित किया जाता है, इन सभी के बारे में, तौर तरीकों के बारे में होता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पहला प्रश्न है डिसग्राफिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करके बताइए डिसग्राफिया क्या है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ये जो नए शब्द आ रहे हैं इनके बारे में नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, आप अभी पेपर देख लो किस तरीके से आता है। मेरा नोट्स जो है वो तैयार हो रहा है, आप सभी को मैंने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह इन्फॉर्म किया है। नोट्स पिछले एक हफ्ते से तैयार कराया जा रहा है, जिसमें मैंने थ्योरी भी इंक्लूड किया है, क्योंकि यहां पर ये जो सब्जेक्ट है नया है, आप सभी लोग इससे परिचित नहीं है ज्यादातर लोग, तो हो सकता है कि आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए। इसीलिए मैं MCQ के साथ साथ आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें पूरा का पूरा थ्योरी हर चीज का दूंगा, ठीक है, और बहुत ही कम कीमत पर। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही नोट्स तैयार होगा और आप सभी के सामने होगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर उम्मीद करते हैं आ गया होगा। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपगम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्याचार के माध्यम से आगे बढ़ाता है, यह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर अपने मन से कमेंट करें।
दो नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रश्न देखिए, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे चार ऑप्शन को पढ़ें और अपने मन से उत्तर करना है आपको, एक शिक्षक के तौर पर आपको सोचना है और बताना है। जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में यहां सेम क्वेश्चन पढ़कर आंसर कर सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन बी दो वाला सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका पहला पाठ्याचार में अनुकूलन करें, दूसरा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें पढ़ाने में, इसके साथ साथ तीसरा अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। अगला प्रश्न पूछा गया था चार नंबर, देखिए प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चार का जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सलाह दूंगा अगर आपने बीएड और डीएलएड प्राइवेट डाला है तो आपको कॉलेज भी जाना नहीं होता होगा, तो आप सीटेट एग्जाम की तैयारी में डट जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी आपका पेपर भी नहीं होने वाला है, ना ही डीएलएड का होगा अभी और ना ही बीएड का होगा, तो आप सीटेट ही ना क्वालिफाई कर लीजिए दिसंबर तक, तो आपका आप निश्चिंत हो जाएंगे एकदम से। चार नंबर का जवाब आपका ऑप्शन दो हो जाएगा, प्राथमिक व माध्यमिक बिल्कुल सही है। पहले में क्या आएगा, प्राथमिक आएगा, प्राथमिक संस्थाएं, और दूसरे में माध्यमिक संस्थाएं की महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर, प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब इनको आप पढ़ेंगे हमारे थ्योरी के नोट्स में जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा बाकायदा। क्वेश्चन नंबर पांच का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर चार जवाब हो जाएगा, चौथा नंबर, देखिए भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर छह है, प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर छह का जवाब, अब इन जिन लोगों का आप नाम यहां पर देखते हैं ये सभी लोग विचारकर्ता हैं, ये लोग इन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हैं हर चीजों पर, बच्चों की शिक्षा पर कैसे शिक्षा दिया जाता है, तो ये जो हैं ये समाज सुधारक हैं, ये समाज विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हैं अलग अलग दृष्टिकोण से, ठीक है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। छह नंबर का तीन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सात नंबर, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन पहला है, देखिए यहां पर शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण यानी जैसे रीजनिंग में नहीं होता है कथन और कारक, ठीक है, उसी तरीके से कथन और कारण दिया गया है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है, बताइए तर्क। क्वेश्चन नंबर सात का जवाब, सात का ऑप्शन दो सही है यहां पर, पहला और दूसरा दोनों सही है, और आर यानी कथन निष्कर्ष का या कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आठ है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर दें आप लोग। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, ठीक है, आठ नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीन हो जाएगा, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नौ है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, क्वेश्चन नंबर नौ का जवाब दीजिए, कितने वर्ष के बच्चे। नौ नंबर का जवाब आपका ऑप्शन चार हो जाएगा, सात वर्ष के बच्चे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दस है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। पहला देखिए कौन सा सही हो जाएगा, कौन सी आलोचना की है, दस का दो हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला है ग्यारह नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डैश जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा, 11 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन दो हो जाएगा, केंद्रीयन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य
बाल अवस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच है। अब देखिए जब आप डीएलएड और बीएड करेंगे तो आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा, खासकर डीएलएड वालों को भी बाल विकास आपके सब्जेक्ट में रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी रहेगा। तो आप जब अपनी गाइड पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इन चीजों को समझना भी शुरू कर दोगे आप। 12 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्थिर है कुछ हद तक, आत्म केंद्रीय, धीमी तार्किक है, बिल्कुल सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करना। 13 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, तैरना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहां पर, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश डैश और डैश डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। चौदह नंबर का 2 ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अवरोही और आंतरिक से बाहरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर ने के अनुसार एक दार्शनिक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की वृद्धि बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बताओ। 15 का तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, यानी अंतः व्यक्ति और दिक्स स्थान, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। देखिए अगर आपको कठिन लग रहा है तो परेशान मत होइए, पेपर में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप उसी हिसाब से मेहनत करें, उसी हिसाब से इस परीक्षा को सीरियस लें, ठीक है। नोट्स अभी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर। वो नोट्स आप पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से आपका डर खत्म हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट कर दोगे। 16 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। चारों ऑप्शन पढ़ें और उत्तर करें अपने मन से। सत्रह का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर दें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और 4 सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर कथन और कारण वाला ही प्रश्न है ये। पहला कथन जो है यहाँ पर, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दूसरा कारण जो बताएगा, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बताइए, 18 का दूसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल दोनों सही है और कथन जो है वो कारक का सही विवरण करता है या व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब बताइए। 19 का ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, गैर प्रासंगिकीकरण, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, 4 करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। चारों ऑप्शन को पढ़ें और उत्तर करें 20 का जवाब। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ, ऑफलाइन हुआ था, पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन होने लगा तो ओरिजिनल पेपर मिलने लगा है, ठीक है। अब आपका भी ऑफलाइन ही होगा, नहीं पेपर मिलेगा इस तरीके से। 20 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन 4 से ही उत्तर हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बताइए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने प्राप्त पढ़ाई नहीं की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर भी आपका कथन और कारण पूछा गया है। कथन पूछा गया बोला गया है यहाँ पर, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़िया की खेल के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, कारण क्या है इसका। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या कथन कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, 22 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 23 नंबर का जवाब दीजिए।
23 का 2 सही उत्तर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब, चौबीस का ऑप्शन 4 से उत्तर हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच की नियंत्रित को नियंत्रित करने का एक तरीका। अगला है 25 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब बताओ। 25 का ऑप्शन 2 से ये जीववादी चिंतन है उसके अंदर, ठीक है कि क्या जीवित है और क्या अजीवित है ये सोचती है वो। अगला देखिए 26 नंबर है, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। 26 नंबर का उत्तर बताएं। क्लास को लाइक करना एंड शेयर करना, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली 11 बजे आपका पेपर सॉल्व कराया जाएगा। 26 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बार बार दोहराना व आवर्ती व्यवहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों में से अवगत कराना चाहिए। कारण पता बताया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। क्या ये कथन जो है, कारण जो है, एक दूसरे को की व्याख्या करते हैं। 27 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर 2, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों करते हैं, बहुत बढ़िया। अगला है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। 28 का जवाब बताइए। अट्ठाईस नंबर का उत्तर ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगला है 29 नंबर प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जल्दी से उत्तर करें। 29 नंबर का जवाब। क्लास अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं सर बाकी के पेपर्स भी सॉल्व कराएं, बाकी सब्जेक्ट की भी कराएं और ईयर्स के पेपर सॉल्व कराएं, ताकि हमारा जो पैटर्न पता चल जाए, हम चल सके किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो कमेंट में लिख के बताना और कैसा लगा क्लास हमें बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 29 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर ए यानी पहला सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। और अंतिम प्रश्न है CDP का, क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब बताओ और ईमानदारी से बताइए 30 में कितने प्रश्न आपको आते थे। 2 सही भी गए तो वो भी लिख देना, शर्म मत करना कि सर 2 प्रश्न सही गए, 5 प्रश्न सही गए, 10 प्रश्न सही गए, बताइए कमेंट करके। क्लास को लाइक करिए, डेली क्लास कराऊंगा, डेली एक पेपर सॉल्व कराऊंगा आपका, फॉर्म आते आते आपका क्लास भी सारे स्टार्ट हो जाएंगे, थ्योरी का नोट्स और क्वेश्चन का नोट्स भी तैयार हो रहा है, बस आपको जल्द ही सब कुछ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, यानी पहला को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये था हमारा CDP का पेपर जो अभी रिसेंट में हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 16 अगस्त 2023 का है। और ये जो मैंने पेपर सॉल्व करा है इसका आंसर की भी ये लगा है ओरिजिनल, इसके साथ मैं PDF और आंसर की के साथ में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। आप लोग रिविजन भी करना और बार बार सॉल्व भी करना इसको। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए सभी CTET के छात्र। और एक मेरा इंस्टाग्राम का भी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे CTET के ग्रुप बच्चे जुड़े हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और शेयर जरूर करना।